नमस्कार। हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में चुनाव के ऐलान होने के बाद गोदी मीडिया भी एक्टिव हो चुकी है, जो हमेशा से अपनी मनमाजी करती आई है। चाहे वो 2019 के इलेक्शन हो, जहां पर हरियाणा में 70 पार बताया गया था और महाराष्ट्र के अंदर भी जीत दिखाई गई थी, लेकिन अब फिलहाल हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद महाराष्ट्र के अंदर भी और हरियाणा के अंदर भी एक बार फिर से भाजपा सरकार के नारे गोदी मीडिया के द्वारा लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ओपिनियन पोल में इन लोगों ने क्या क्या किया है, ओपिनियन पोल में ये लोग कैसे चापलूसी करते हुए नजर आ रहे हैं मोदी जी की, पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हरियाणा समेत देश भर की बड़ी खबरें HBN24 न्यूज पर मिलते रहे। तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। ये देखिए जो दलाली करते हैं, इनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इनको गोदी मीडिया के नाम से देश में संबोधित किया जाता है और ये चापलूसी करते हुए आपको नजर आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर हरियाणा में कितनी सीटें ये दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें, यहां से मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए टोटल सीटें 288 है महाराष्ट्र के अंदर, और इन्होंने कितनी सीटें दिखाई। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी 95 से 105 सीटें हासिल कर रहे हैं, ये ऐसा दावा यहाँ पर गोदी मीडिया के द्वारा किया गया है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। जहां पर महाराष्ट्र में हमेशा से सुपड़ा साफ होता था बीजेपी का, वो एकदम से इतनी सीटें कैसे हासिल कर सकती है, ये सोचने वाली बात है। शिव सिंधे गुट 1924 सीटें हासिल कर रहा है, जीत पवार 7 से 12 सीटें, कांग्रेस 42 से 47 सीटें, शिवसेना 26 से 31 सीटें, शरद पवार 23 से 28 सीटें, अन्य सीटें 11 से 16 है। और तो मैं गोदी मीडिया के इस ओपिनियन पोल को बिल्कुल भी सही नहीं मानता हूं। ये ओपिनियन पोल पर हम मार देते हैं कांटा, यानी गोदी मीडिया है बिकाऊ मीडिया है, और इसी कारण ये ऐसे नामुमकिन ओपिनियन पोल दिए गए। अब मैं आपको बताता हूं कि हरियाणा के अंदर देखिए क्या कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर थोड़ा सा आराम से मेरे को मूव करना पड़ेगा। हरियाणा के अंदर क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। और हरियाणा के अंदर जहां कांग्रेस लगातार प्रचंड प्रचार करने में लगी हुई है और पब्लिक का रुझान कांग्रेस के साथ है, फिर भी हरियाणा के अंदर देखिए कितनी सीटें यहां पर कांग्रेस को ये दिखा रहे हैं। इन्होंने यहां पर हरियाणा के अंदर 37 से 42 सीटें कांग्रेस को दिखाई है, सॉरी बीजेपी को दिखाई है, और 33 से 38 सीटें कांग्रेस को दिखाई है। यानी पूर्ण बहुमत से दोनों ही पार्टियों को इन्होंने नीचे रख दिया है, ताकि इन्हें गठबंधन की जरूरत पड़े। अब जेजेपी देखिए तो जेजेपी पार्टी को 3 से 8 सीटें दिखा दी है, जेजेपी पार्टी खत्म हो चुकी है, हालांकि फिर भी 3 से 8 सीटें दिखाई गई है, अन्य को 7 से 12 सीटें दिखाई गई है। यानी साफ साफ कहूंगा, चलिए ये तो थोड़ा संभव हो सकता है कि जेजेपी पार्टी 2 या 3 सीटें निकाल ले, लेकिन बीजेपी 37 से 42 सीटें निकाल लेगी, सोचने वाली बात है। यानी साफ साफ इसे गोदी मीडिया पोल कह सकते हैं। यानी ये जो चेहरे देख पा रहे हैं, ये सभी गोदी मीडिया के चेहरे हैं। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को भी डर लगता है कहीं बीजेपी सरकार जेल में ना डाल दे। तो देख सकते हैं ये गोदी मीडिया है, जो जिस प्रकार से गोदी कहते हैं उसी प्रकार से ओपिनियन पोल दिखाकर पब्लिक को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, यहां पर दलाली करते हैं हम। यहां पर जो पब्लिक की ग्राउंड रिपोर्ट होती है उसके हिसाब से ही ओपिनियन पोल जारी करते हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो यूट्यूब फेसबुक है, हम कोई सैटेलाइट टीवी चैनल के एंकर नहीं है कि जैसा सरकार चाहेगी सरकार के दबाव में ओपिनियन पोल जारी करेंगे। यहां पर ओपिनियन पोल जारी होंगे तो बिल्कुल सही स्टीक जारी होंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि जो ओपिनियन पोल इनके द्वारा जारी किए गए हैं, जो चुनाव से पहले इन्होंने ओपिनियन पोल जारी किए हैं, वो बिल्कुल गलत है। इसको लेकर आपका क्या सोचना है? अगर आप हरियाणा से हैं, अगर आप महाराष्ट्र हैं, तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी कितनी सीटें निकाल सकती है। अभी तक टिकटों का ऐलान भी नहीं हुआ, कौन सा कैंडिडेट आपके एरिया में मजबूती से चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, कौन सा कैंडिडेट नहीं पार लगा सकता है, कमेंट जरूर करें। बने रहिएगा HBN24 न्यूज के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।